हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल टोटल एसडी आईक्यू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करंट अफेयर और जीके के 2018 करंट अफेयर और जीके के 35 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आगामी जो भी एग्जाम है बीपीएससी, आरपीएससी, एई, एएलपी, सीबीटी 2 और केवीएस और सीजीपीएससी और एमपीपीएससी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। फ्रेंड्स, पहला करंट अफेयर है फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ हुआ है। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये कहाँ हुआ है, ये फ्रेंड्स रूस में हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एशियन गेम कहाँ हुए थे, तो इंडोनेशिया के जकार्ता और पालमबांग दो शहरों में हुए थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गज या फिर गाजा ये क्या है, ये फ्रेंड्स एक तूफान है। नेक्स्ट है, एनआरसी किस स्टेट ने जारी किया है, तो ये फ्रेंड्स असम ने जारी किया है, जिसमें वहाँ के 40 से 41 लाख के आसपास लोग की मतलब ये प्रूव नहीं कर पाए, ये प्रूव नहीं दे पाए कि वो वहाँ के नागरिक हैं। नेक्स्ट है, रोहिंग्या किस देश से हैं, तो रोहिंग्या फ्रेंड्स म्यांमार से, ये एक इस्लाम या मुस्लिम धर्म का ये एक हिस्सा है। और नेक्स्ट है, जून और सितंबर में इंडिया की जो जीडीपी है वो कितनी रही है, तो फ्रेंड्स ये 7.1 रही है। अभी फ्रेंड्स मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति हुई है, तो ये कौन बने हैं, ये फ्रेंड्स डॉक्टर के सुब्रमण्यम जी बने हैं, जो कि फ्रेंड्स हैदराबाद की एक इंस्टीट्यूट थी उसमें अभी असिस्टेंट प्रोफेसर थे। नए सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, ये फ्रेंड रंजन गोगोई जी बने हैं। और नेक्स्ट है, सीजी में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो सीजी में फ्रेंड 90 में तो मतलब प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग होती है और एक मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, आईपीसी की धारा 377 किससे संबंधित है, ये फ्रेंड समलैंगिकता से संबंधित है, ये पहले अपराध था, अभी अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। आईपीसी 497 ये क्या है, ये फ्रेंड शादी के बाद जो भी कोई पुरुष किसी महिला के साथ और या कोई महिला किसी पुरुष के साथ जो भी अफेयर है वो उनको वैध करती है, पहले ये भी अपराध था। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, तो ये फ्रेंड्स कहाँ पे है, केरल में है। नेक्स्ट है, शनि सिंगणापुर मंदिर कहाँ पे है, ये फ्रेंड्स महाराष्ट्र में है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महानदी जल विवाद किन प्रदेशों के बीच में, फ्रेंड्स पहले ये एमपी उड़ीसा के बीच में था और अब ये सीजी और उड़ीसा के बीच में हीराकुंड बांध इसी नदी पर है। अम्बनटोटा पोर्ट कहाँ पे है, ये फ्रेंड्स जो साउथ श्रीलंका है ना उसमें है, ये श्रीलंका का एक पोर्ट है जो कि चीन ने कुछ सालों के लिए लीज पर ले लिया है और चीनी इसको डेवलप कर रहा है। G20 देशों की बैठक कहाँ हुई है, तो फ्रेंड्स ये अर्जेंटीना में हुई है, भारत भी G20 देशों का सदस्य है। 2022 G20 देशों की जो बैठक होगी, सम्मेलन होगा, वो कहाँ पर होगा, तो फ्रेंड्स ये इंडिया में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावांतर योजना किस राज्य की है, तो फ्रेंड्स ये एमपी की है, ये कृषि से संबंधित है। येलो वेस्ट ये क्या है, ये फ्रेंड्स अभी फ्रांस में महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है तो उसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, तो उसको येलो वेस्ट नाम दिया गया है। इलाहाबाद का नया नाम क्या है, तो फ्रेंड्स क्या है, प्रयागराज है, अभी नाम चेंज किया गया कुछ दिन पहले। फैजाबाद का नया नाम क्या है, तो फ्रेंड्स फैजाबाद अब अयोध्या के नाम से जाना जाएगा पूरा। नेक्स्ट, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, तो फ्रेंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है। नया रायपुर का नया नाम क्या है, तो फ्रेंड्स ये अटल नगर है। और यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी, बीजेपी। और पबजी क्या है, ये एक गेम है। और ट्रंप और किम जोंग की मीटिंग कहाँ पे हुई थी, तो ये सिंगापुर में हुई थी। सेंटिनल द्वीप कहाँ पर है, ये अंडमान निकोबार पर है, यहाँ पर सेंटिनल जनजाति पाई जाती है। लिंगायत किस धर्म का हिस्सा है, तो फ्रेंड्स ये हिंदू धर्म का हिस्सा है। सबरीमाला मंदिर किस में किस भगवान का है, तो ये अयप्पा या फिर अयप्पन जी की का मंदिर है। सबरीमाला मंदिर किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो फ्रेंड्स ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, करतारपुर कॉरिडोर किस धर्म से संबंधित है, तो ये सिख धर्म से संबंधित है। और आरबीआई गवर्नर कौन है, तो उर्जित पटेल। और 6 दिसंबर किस महान विभूति का पुण्यतिथि है, तो डॉक्टर बाबा साहब महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ 35 के आसपास क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।